तू तो स्कूल में से पेंसिल चुरा के लाई, ये बता रही है मम्मी। नहीं तो तू कह रही ना कि मैडम बाहर बैठी है, बच्चे बाहर बैठे हैं, मैं क्लास में मैं बाहर ना गई, कहे ना नहीं तू सब बच्चों की डंडा तो लेके आ जाए किसी में बताऊंगी सही बोलेगी अभी सब बच्चों को पेंसिल मिली। हाँ अगर मिले तो फिर इनका पूरा पैकेट मिले ना स्कूल में और क्या सब तीन कौन देवे चुराई तूने पेंसिल फिर पेंसिल कहाँ से मिली तुझे तीन तीन मेरी माँ ने दिया। अच्छा क्या कह रही मैडम पता करना कि मैं कह रही तुम आई नहीं थी इसलिए दे दे आई नहीं मतलब उन्होंने सब पैकेट बांट दिए तुझे तीन ही पेंसिल थी तो मैडम से बोलियो कि मैडम मुझे पूरा पैकेट दो। नहीं कल स्कूल में जाना पूछना कि सब बच्चों को पेंसिल मिली थी या बस इसे ही पेंसिल मिली है ये चोरी करके लाई है बताओ चोरी करके लाई पेंसिल पूछ रही हूँ मैं बेइज्जती करवा के रख दी मेरी बेइज्जती डंडा का है डंडा इसका काम है मेरी बेइज्जती करवाना ना बैठ उठ के करवा दी बेइज्जती किस किस के बैग में से निकाल के लाई किस किस के बैग से निकाल के लाई थी किसके किसके में से निकाली है नहीं तो कल मैं जाऊंगी स्कूल सही बता बिल्कुल क्या बना रहे किसके से निकाली दिख गया पहले बता पेंसिल क्यों चुराई पेंसिल नहीं चुराई फिर किसने चुराई छीली किसने छीली किसने थी पेंसिल बता पेंसिल किसने लूंगी कल कल तुझे बनाऊंगी बढ़िया कल मैं जाऊंगी छोड़ने और लेने जब देखो तो मैडम कैसे तीन पेंसिल दी हैं तीन ही पेंसिल दी पांच पेंसिल दी नहीं बारह या दस का पैकेट है पूरा दस का पैकेट दिया होगा उसने सब बच्चों को चुराई पेंसिल मैडम ने दी करूं फोन अभी कर लो ठीक है अभी कर रही और अगर मैडम ने कह दी निधि चुरा के लेके गई है तो क्या करूँ वो सामान से तो फिर मार पड़ेगी।